हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो आपको बताया था मैंने 2-3 दिन पहले टिकट बुक कर दी थी मैंने। आज का टाइम है 4 बजे का, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अगर हम जाएंगे तो देखो एंट्री मिल ही जाएगी वैसे, क्योंकि हमारे घर से 10 से 15 मिनट का रास्ता सर। आप देखते होंगे डेली आता था हमारे रास्ते में एक फ्रेम, दुबई फ्रेम और एक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो चलो चलते हैं बिना देरी किए। पहुंच गए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की पार्किंग में। इनकी तो पार्किंग भी बहुत ही ज़बरदस्त बना रखी है और कार्स भी बहुत अच्छी अच्छी खड़ी हुई हैं। जैसे कि एक मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, एक होंडा की कार है। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी अच्छी कार भी आती है होंडा की। वाह यार, होंडा बढ़िया कार बना रखी है। तो चलो अब चलते हैं ऊपर और आपको मैं दिखाता हूँ। ये है एंट्रेंस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की, बट हम इस साइड से आए हैं। देखो थोड़ा सा लुक इसके अंदर से ऐसी है। यहाँ पे ना एक रोबोट सी चिड़िया टाइप यहाँ पे घूमती रहती थी, पता नहीं 15 मिनट बाद आएगी अब दोबारा। वो एक बहुत ही अट्रैक्शन पार्ट है यहाँ का, ऐसा बैंड मिलता है। इसके साथ हमें लाइन में लगना है। लाइन में लगने के बाद सबने, जितने लाइन में लगे हुए हैं ना, सब ने बैंड पहना हुआ है। ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन है। तो हम भी लाइन में ही जा रहे हैं। ये बैंड ज़रूरी है, वहाँ से ये एक टिकट है। पहले टिकट लेंगे हम ये वाली बैंड के साथ, फिर हम लाइन में लगेंगे। उसके बाद फ्लोर टू फ्लोर जाके मैं आपको समझाऊंगा कहाँ पे क्या है। मुझे भी अभी नहीं पता है, जैसे देखूंगा और मुझे अगर कोई गाइड करेगा वहाँ पे, कोई गाइडेंस मिलेगी, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बर्ड। ये कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही एलियंस आया है। कुछ पता नहीं बैटरी से कैसे चलती है, पता नहीं। ये एक लिफ्ट है जिसमें हम आए हैं, और इससे पहले इन्होंने बताया था कि अगर आपको किसी को अंधेरे से डर लगता है तो हम उसको बाहर ही रोक देंगे। अच्छा हुआ आज मैं माइक लेके आ गया हूँ। देखो कुछ अलग ही माहौल है। So now we are heading to chapter 2 of the journey, the Hill Institute in level 4. Just one level 4 पे आपको दिखा रखा है। पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जीवाणु हैं, जितने जानवर हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, उन सब की ये पिक्चर्स लगा रखी हैं इन्होंने। एक बॉक्स में बंद किया हुआ है और हमें ये एक डिवाइस देते हैं जिससे हम इनको स्कैन करके पता कर सकते हैं कि ये जिंदा है या मर गए हैं, मतलब अभी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में या ख़त्म हो चुके हैं, अब नहीं एग्जिस्ट करते। अभी ये एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, ये है ये चीज़, पता नहीं क्या है, जो भी है। मैंने स्टेयर्स यूज़ कर ली हैं क्योंकि वो देखो वो लिफ्ट है, और लिफ्ट से जाने में इतना मज़ा नहीं है। स्टेयर से यूज़ करते हैं, मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रखी है उन्होंने फ्यूचर की, और जितनी आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये इनका दावा है कि 2071 फेब तक ये सारी चीज़ें बना देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या बना देंगे, कैसी कार्स हैं, साइकिल्स हैं, ड्रोन्स रखे हुए हैं, क्या क्या है जो ये बना सकते हैं। ये अभी ब्लॉग चल रहा है मेरा, लेकिन जो कुछ पार्ट्स हैं, जो ये चीज़ें हैं, वो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा, उसमें ही आपको फील आएगा, उसमें वॉइस ओवर के साथ ही मज़ा आएगा देखने का। ये जितना बाहर से देखने में छोटा दिखता है ना, ये उतना ही ज़्यादा बड़ा है अंदर से। टोटल 5 से 6 फ्लोर्स हैं, हमारे 3 लेवल क्रॉस हो चुके हैं। ये उस टाइम के ड्रोन होंगे भाई साहब, ड्रोन। ये ड्रोन है क्या? ताबड़तोड़ फ्यूचर की ऑडी। ऑडी में गोले तो चार ही रहेंगे, सर्कल चार ही रहेंगे। ये साइकिल होगी फ्यूचर की। ओ, ये उड़ने के लिए भी होगा, बंद होगा फ्यूचर में। मतलब कुल मिला के आप ये चीज़ बोल सकते हो कि आने वाले टाइम में इंसान अपने हाथों से कोई काम नहीं करेगा, सारा कुछ गैजेट्स ही करेंगे, सब कुछ, बस बटन दबाना है, सारा काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। भाई साहब ये है प्रॉपर एक व्यू। हम अभी ऊपर थे, वहाँ से हमने सारा कुछ देखा जो भी आपने देखा। ओ वाओ, आपको पता है अगर आपने इसको पूरा, ये जो अंडा है पूरा गोला, इसको आपने एक ही कैमरा में कैप्चर करना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा उस साइड, क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मैंने लास्ट टाइम वहाँ पे खड़े होकर एक पिक्चर क्लिक करवाई थी। पता नहीं यार होगी, क्योंकि मैंने फ़ोन रीसेट कर दिया था अपना, पिक्चर नहीं होगी तो। लेकिन यार देखो यहाँ से व्यू कितना प्यारा दिखता है।
मुझे सच में ऐसा बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के सेंटर में खड़ा हूँ। देखो रोड्स पे गाड़ियाँ जा रही हैं, मेट्रो, दुबई में काफ़ी सारे अट्रैक्शन के पार्ट्स हैं, उनमें से एक ये भी है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहे थे तो मैंने ये बैंड पहन लिया, और यार ये बैंड पहनने के बाद इचिंग और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है मैं खोल नहीं सकता, बहुत ही गंदा लगूंगा। अब यहाँ से निकलते हैं, बस मेरा दिल नहीं था यहाँ से जाने का, एक गर्मी की वजह से जा रहा हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये है मेरी प्रॉपर व्लॉगिंग, बट इसके जो मैंने शॉर्ट्स लिए हैं काफ़ी, वो मैं डालूंगा एक अलग से वीडियो बना के, क्योंकि इसमें व्लॉग में मज़ा नहीं आएगा आपको देखने का। तो मतलब आने वाले टाइम में तो यार ऐसा भी हो जाएगा कि आपके जो बच्चे होंगे ना वो भी रोबोट से पढ़ेंगे, यही आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। एक रिमोट कंट्रोलिंग रोबोट है ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, फैल्कन को, फैल्कन का एक रिमोट कंट्रोल बना रखा है फैल्कन। ये सारा बच्चों का एरिया है खेलने के लिए, बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पे, जो फिर बच्चा खेल रहा है ऐसे खेल सकते हैं यहाँ पे। तो और एक और एरिया वहाँ पे बिलो 10 ही जा सकते हैं, ऐसे तो मैं यहाँ तक खड़ा कर दूंगा। तो चलो ये तो यहाँ से तो हो गया यार पूरा का पूरा, जितना भी था और कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए, फुल देख लिया हमने, चार पांच लेवल थे, चार पांच के पांचों देख लिए सारे खिलाड़ी। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, निकलने का टाइम है अभी। हम एक साइड नहीं गए हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, अभी मैंने कहा एक बार पंगा ले लिया जाए, जाके देखते हैं कैसा है ये भी। ये सीढ़ियाँ हैं, दुबई का एक कूलेस्ट पार्ट मेरे को लगता है जहाँ पे जो ज़बरदस्त चीज़ें हैं ना, जैसे दुबई मॉल हो गया, या जहाँ पे हम पहले गए थे उस बीच पे वो हो गया, यहाँ पे ना यार हर जगह पे इन्होंने मेट्रोज लगा रखी हैं, और वो भी इतने अच्छे तरीके से ना, आप एसी से निकल के एसी में चले जाओगे, कहीं आपको ऐसे निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। ये बेस्ट पार्ट है इस चीज़ का, मेट्रो में गया नहीं अभी तक, और मैं अभी जा भी नहीं सकता क्योंकि अगर यहाँ से चले गए तो यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है जो ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का सर्कल बना हुआ है, इसमें डिज़ाइन बना हुआ, डिज़ाइन नहीं है एक्चुअल में, इनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी घूम लिया, एक्सप्लोर कर लिया, मेट्रो तक भी जाके आ गए हैं, अब टांगे टूट गई हैं, अब थक गए हैं, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। अगेन हम आ गए हैं पार्किंग में, अब निकलते हैं यहाँ से पार्किंग से। भाई आ गए हम कुछ खाने के लिए, पिज्ज़ा वगैरह कुछ खाते हैं थोड़ा सा, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई खा लिया, डन हो गया खाना, बस अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रखी थी। चलो भाई निकलते हैं हम यहाँ से, कल खाना खाया था, आज पिज़्ज़ा खा लिया, जो प्रोवाइड होता है विदाउट अनियन गार्लिक हम खा जाते हैं। अजीब सी ओस सी जमती दिख रही है ना, ये मॉइस्चर है, मॉइस्चर आ जाता है एकदम से ना, इतनी गर्मी है बाहर। मेरा फ़ोन ना बोंदल गया गर्म सर्द हो के, पहले सर्दी में जाता है फिर गर्मी में आ जाता है, ओस सी जम जाती है इसकी लेंस पे। अभी हम आए हैं सेंटर पॉइंट शॉपिंग करने के लिए कुछ किचन की, क्योंकि घर पर ना कुछ चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। हम निकल गए यहाँ से, वेट कर रहे हैं, कारें यहाँ से जाती हैं। हम आ गए अभी अपार्टमेंट की पार्किंग में, पानी लेके आया और थोड़ा सा और सामान लेके आया है। बिस्लेरी यहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाती है, ये आई है 5.5 दिरहम की, वैसे दूसरी वाली आती है 6.5 दिरहम। अब हम पहुँच गए हैं घर पे, एज यूजुअल डेली ये पर्दे खोल के चले जाते हैं, आज मैंने बंद किए हैं। अभी ये मैं माइक से नहीं बात कर रहा हूँ, माइक मैंने हटा दिया है, ये रख दिया हटा के, बहुत हैवी है यार ये, थोड़ा संभालना मुश्किल हो गया। तो चलो ठीक है, आज आपने देखा है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कैसा लगा मेरे को बताना, लाइक शेयर कमेंट करके पूरा बताना, और इसकी प्रॉपर जो वीडियो है ना, जिसने ये ब्लॉग मेरा पूरा देखा होगा उसको पता लग जाएगा, इसकी प्रॉपर वीडियो कल आएगी और एग्जैक्ट आपको एक एक चीज़ पता लगेगी कि म्यूजियम में है क्या क्या चीज़। इसमें तो मैंने ब्लॉग की तरह बनाया ना, एक्यूरेट एक चीज़ें कल आए। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय, हरे कृष्णा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।